सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धनंकार जी, आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, शुभकामना के साथ। आज का विषय है झूठ से बचे। सत्संगत, जीवन की यात्रा को तय करने के दौरान हम सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झूठ बोल देते हैं, और वो झूठ हमारे लिए भी नुकसानदायी होता है, और ये महसूस करवाता है कि कहीं ना कहीं इस परमात्मा का एहसास हमारे जीवन में नहीं है, तभी तो हम झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी कि हमारा सब कुछ, हर हाल परमात्मा जानते हैं, और कर्मों का हिसाब परमात्मा ही करेंगे। हम जैसा करें वैसा परमात्मा हमारे साथ करेंगे। सत्संगत, एक बार की बात है, कहीं पे पिता अपने बेटे को लेके जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम यहीं मेड़ पे खड़े हो जाओ, मैं कुछ सब्जियां काट लेता हूँ, अनाज ले लेता हूँ, और फिर हम दोनों निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सत्संगत, बेटा कहता है, पापा हमने संगत में सीखा है, परमात्मा कण कण में है, घट घट में है, तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि कोई नहीं देखेगा? परमात्मा तो देखेगा ही। सत्संगत, पिता लज्जित हो जाते हैं। कहने के भाव ये हैं कि ये बात जब आती है कि घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, ये बात जब आती है, कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तेरा धाम। घट घट राम बोले, रमा बोले, राम बिना को बोले रे। जब ये बात आती है तो फिर ये महसूसियत भी रहे जीवन में कि ये परमात्मा घट घट में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है। क्योंकि जब तक ये महसूसियत नहीं आती, ज्ञान का आनंद नहीं आ सकता, भक्ति का आनंद नहीं आ सकता, एहसास जब तक नहीं है, विश्वास भी नहीं हो सकता। आओ सत्संगत, इसी तरह का एक और घटनाक्रम। पिता ने किसी के आने पर बच्चे को कहा, बच्चा बेटा ये बोल देना कि पापा नहीं है। सत्संगत, बच्चा दरवाज़ा खोलता है और पूछने वाले ने पूछा कि बेटा पापा हैं? तो बच्चा कहता है, अंकल पापा ने कहा है पापा नहीं है। कैसी विडंबना है सत्संगत। बच्चे ने झूठ भी कहा तो सच को मिला के। और सत्संगत, सच तो सच होता है, सच सच तो सूरज है, इसीलिए कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और बच्चों का हृदय भगवान का हृदय, बच्चों को इसलिए भगवान का रूप कहा गया। आइए हम सभी ऐसी कोशिशें, ऐसे यत्न करते रहें कि झूठ से बचते रहें, क्योंकि सत्संगत, दुनिया के झमेले कभी कम नहीं होंगे, चर्चे यहीं रहेंगे, अफसोस हम नहीं होंगे। तो जीवन में ज्ञान का अर्जन करना जितना जरूरी था, ज्ञान पे मंथन और चिंतन और ज्ञान के अनुसार जीवन जीना भी उतना ही जरूरी है। वैसी जीवन, वैसी अवस्था अगर बन जाती है तो आनंद बना रहता है, नहीं तो सत्संगत, दिखावट और बनावट में तो सारी दुनिया लगी हुई है। अगर हम सब भी वैसे ही दिखावट और बनावट की ज़िंदगी जिएंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा, कोई लाभ होने वाला नहीं है। आइए इन शुभ भावों के साथ ही दास आपसे इजाज़त चाहेगा, हमेशा सच का आधार लें, इस बात की परवाह किए बिना कि सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जे जी, कि सच के ग्राहक नहीं मिलते और झूठ के लिए सारी दुनिया दौड़ पड़ती है। लेकिन हम सभी ने सच को पाया है
और सच को ही गाएं। इस स्वभाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।